साल 2002 में गुजरात के गोधरा कांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस घटना की पृष्ठभूमि पर अब तक चांद बुझ गया, पर जानिया फिराक जैसी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बन चुकी हैं। इस घटना के 22 साल के बाद अब फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा का निर्माण हुआ है, जिसका टीजर लॉन्च हो चुका है। आज भी दर्शकों को साल 2002 बहुत अच्छे से याद होगा। गुजरात के इस दुग्ध घटना के पीड़ितों की रियल कहानी बड़े पर्दे पर 1 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। फिल्म में रणवीर सोरे और मनोज जोशी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा न्याय के लिए पीड़ितों की लड़ाई की जर्नी को दिखाती है। फिल्म में रणवीर सेरी ने एक वकील का किरदार निभाया है, जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड के पीड़ितों की तरफ से पूरी शिद्दत से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म को एके सिवाक्स ने डायरेक्ट किया है। बता दें, फिल्म की कहानी साल 2002 की 27 फरवरी को गोधरा से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग में 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना को गुजरात दंगों के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म का टीजर बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन द केरल स्टोरी के शेयर के बीच इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। सोशल मीडिया पर फैंस टीजर की खूब सराहना कर रहे हैं। लेकिन आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की एंटरटेनमेंट की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जनहित टाइम्स।